हर हर महादेव, वेलकम टू द डिवाइन टॉक्स। और आज के एपिसोड में हमने बात किया है हमारे धर्म ग्रंथ के बारे में, जो है रामचरितमानस। तो आज हमने पॉडकास्ट में सुना है कि आखिर रामचरितमानस का असली अर्थ क्या है। राम जो शब्द हम सब अपने मुख से निकालते हैं, माला करते हैं, आखिर इसका मतलब क्या है। राम के भाई भरत, जिनका बहुत कम व्याख्यान आता है, बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं, उनकी कथा सुने हैं। एक भाई प्रेम हमने अजगुरु जी से सुना है। तो आप पूरा पॉडकास्ट देखिए और हमें सहयोग करिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव गुरु जी। हर हर महादेव गुरु जी। पिछले पॉडकास्ट इंटरव्यू में हमने बात किया था सनातन धर्म के बारे में, जिसमें आपने बहुत अच्छे से हमारे सनातन धर्म को एक उसका अलग व्याख्यान किया। तो आपने उसमें दो चीजों के बारे में बताई थी, एक था हमने बात किया था धर्म और एक था कर्म जी। तो धर्म ग्रंथ में हम आए थे रामचरितमानस, और कर्म में हम आपने गीता का व्याख्यान किया था। तो आज हम धर्म ग्रंथ के बारे में बात करेंगे, रामचरितमानस। तो आप रामचरितमानस क्या ये शब्द का मतलब समझा सकते हैं? जी देखिए, जैसे ही आपने नाम कहा कि रामचरितमानस, तो रामचरितमानस राम का चरित मन से, राम का चरित मन से, यही शाब्दिक अर्थ यही है इसका, राम का चरित मन से। और अगर इसका हम और अलंकारित करें और व्यवहारिक ज्ञान इसका बताएं, तो उसमें आएगा कि रामचरितमानस मानस पटल पर हर व्यक्ति के राम के चरित का क्या प्रभाव पड़ता है, वो रामचरितमानस में है। मतलब एक व्यक्ति को अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, चाहे वो जन्म से लेके मिले, बिल्कुल रामचरितमानस धर्म सीखना है तो रामचरितमानस। राम कैसे एक भाई के रूप में, कैसे एक पिता के रूप में, कैसे एक मित्र के रूप में, कैसे एक दुश्मन के रूप में, कैसे एक जजमान के रूप में, कैसे क्या दिखाए और क्या मर्यादा उन्होंने मतलब इंगित किया लोगों को मर्यादा में चलते हुए, वो चीज रामचरितमानस में आपको एक के बाद एक देखने को मिलता है। यही है रामचरितमानस। फिर हम आते हैं रामचरितमानस के एक मुख्य किरदार भगवान राम पे। भगवान राम, आखिर राम का मतलब क्या है, वो दो अक्षर का मतलब क्या है? रा और मा। रा और मा। रा माने अंधकार, मा माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश में ले जाए वो राम है, और राम राम रोम रोम में जो बसा है वो राम है, योगियों के हृदय में जो वास करता है वो राम है, अवध क्षेत्र में जो राजा रामचंद्र जी दशरथ के पुत्र पैदा हुए वो राम है, और राम जो आनंद के धाम है, सच्चिदानंद रूप है, वो भगवान राम है, और एक निराकार पारब्रह्म जो मनुष्य के रूप में आकर के जन जन में संदेश सुनाए पहुंचाए वो राम है। रामायण में कितने खंड है? रामायण में 7 कांड है। कांड, ये रामायण का जो 7 कांड है रामचरितमानस में, ये साधना पथ के 7 सोपान है। क्या आप इसको आसान भाषा? हाँ बिल्कुल, आसान भाषा में इसको आपको बता रहे हैं। भक्ति पथ के 7 सोपान है, जैसा कि व्यक्ति सेवा से ही शुरू करता है सारी चीजें। अगर किसी से कोई चीज प्राप्त करना है तब आप सेवा शुरू कर दीजिए। सेवा शुरू कर देंगे तो आपको अंदर से आनंद आएगा, ये दूसरा हो गया। आनंद आएगा तो आपको एक इच्छा जागृत होगी अंदर से कि हम एक से एक प्रश्न पैदा होंगे। कहते हैं ना कि गुरु के शरण में जा करके उनकी टूटी फूटी सेवा जो बन पड़े वो करके, और उनसे कुछ प्रश्न करने चाहिए। कौन सा प्रश्न करना चाहिए? ये तमाम आलतू फालतू के प्रश्न नहीं जो आज टीवी चैनल प्रसाद मौर्य वगैरह पूछ रहे हैं, ये प्रश्न मत कीजिए। आपके अंदर से जो रहस्य निकलेगा वो दैवीय होगा, वो प्रश्न पूछिए, सदगुरु उसका समाधान करेंगे, वो चीज है। उसके बाद क्या आता है, सेवा हो गया, आनंद आने लगा, फिर आपके अंदर प्रश्न पैदा होने लगा, तब आपका समाधान हुआ, फिर जागृति आएगी, फिर आपके अंदर एक भाव पैदा होगा, वो भाव जागृति आनंद और आपके अंदर जो
एक भावना गुरु के प्रति समर्पण बनेगा। ये सात चीजें जो होती हैं ये भक्ति पथ के सात सोपान सात कांड में विस्तृत रूप से बताया गया है। बाल कांड में राम जी बच्चे हैं, बाल कांड। अयोध्या कांड, उनके पूरा अयोध्या का वर्णन है। उसके बाद जो अरण्य कांड है, किष्किंधा है, और किष्किंधा कांड में जैसे कि मतलब नाम में है किष्किंधा, वो पर्वत पे जहाँ गए, मैं आपको पूरा ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, ठीक ना। अरण्य माने जंगल होता है, उस हिसाब से अरण्य में क्या क्या किए, सबरी माता के पास गए, अगस्त ऋषि के पुत्र मिले, अगस्त ऋषि मिले और अहिल्या को तारा, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आपका आता है सुंदरकांड। सुंदरकांड बहुत ही सुंदरकांड है। सुंदरकांड में गजब का सूत्र है, मैथ है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, जियोलॉजी है, सारी चीजें उसमें है। इसीलिए उस कांड का हमारे हिंदू धर्म में पाठ करते हैं, ठीक ना। सुंदरकांड सुंदर क्यों है? हनुमान जी को अपने शक्ति का ज्ञान नहीं था, ठीक है, अपने शक्ति का उनको भान नहीं था। जामवंत नाम के एक उनके मित्र थे, उन्होंने उनसे बताया कि आप तो अतुलित बल धाम है, अतुलित बल धामा पूर्ण कामा हेम शैल सुतधारी। जब उनको पूरा बताए, पवन तने बल पवन समाना का चुप साध रहा बलवाना, क्यों चुप बैठे हो हनुमान जी, आप तो अपने बालेपन में सूर्य भगवान को भी निगल गए थे, कहां भूल गए आप। जामवंत ने जब किया कपि बल का गुणगान, बजरंगी को आ गया बिसरे बल का ध्यान। तो यूं बोले हनुमान, जब तक न मैं लौटू यहाँ, सुधले की सीता मात की, फल मूल खा रहना यहाँ, चिंता न कर दिन रात की। तो वो चीज। उसके बाद आता लंका कांड। लंका में दुश्मनी होते हुए भी श्री रामचंद्र जी ने इतनी मर्यादा निभाई कि जाओ एक मैसेज पास करो वहां कि हम आ रहे हैं, अगर अब भी नहीं मानते हो तो हम आ रहे हैं। हनुमान को भेजा, अंगद को भेजा। उसके बाद देखिए आप, एक चीज इसमें हो जाएगा कि हनुमान जी, आपने देखा होगा दिन में लंका नहीं गए हनुमान जी, रात के समय, रात में क्यों गए? कितना बढ़िया गृहस्थ के लिए सूत्र है, सारे दर्शक समझ लें, सुन लें और अपने गृहस्थी में अपने जीवन में इसको अपनाएं। हनुमान जी रात में क्यों गए? दिन में अगर जाते तो रावण बड़ा तपस्वी था, बड़ा विद्वान था, शंकर जी का बहुत ही प्रिय भक्त था, प्रचंड विद्वान था, वो दिन भर मंत्र आहुति देता रहता था, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो हनुमान जी सोच लेते कि ये तो भक्त है भगवान का, राम जी शिव का नाम लेते हैं, शिव का भक्त राम का भक्त एक ही हुआ, ये तो ऐसा नहीं हो सकता था, हो सकता था, संदेह हो जाता। सूत्र क्या दिया गृहस्थी में, हमारे आपके दादा बाबा पुरखे जो भी थे वो पहले रिश्ता लेके जाते थे तो सुबह नहीं निकलते थे कि धूप हो जाएगा जल्दी पहुंचो बिस्किट पानी खा के निकल आओ, ऐसा नहीं होता था। वो ना दोपहरी बीतती थी तो दोपहर के बाद जाते थे और धीरे से कहते अब आज कहाँ जाएंगे, अब ऐसा है कि अब शाम हो चुकी है, रात में रुकते हैं। क्यों रुकते थे? रात में सारी असलियत का पता लगा लेंगे। तो रात में इसीलिए रुका जाता था, किसी की असलियत का पता लगाना है तो रात भर उसके यहाँ रुक जाओ तो सब असलियत का पता लग जाता है। तो हनुमान जी रात में गए तो नृत्य हो रहा था, मदिरा पान हो रहा था, कथक हो रहा था, तो राम हनुमान जी कहे ओहो ये है रावण, ऐसा सुने, ठीक ना। इसीलिए हनुमान जी रात में गए। तो कितना बढ़िया सूत्र है गृहस्थ जीवन के लिए। मैथ इसमें कहाँ है? जहाँ जोड़ वहाँ मैथ। जोड़ किससे हुआ? विभीषण वहां थे लंका में, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। हनुमान जी सोचे कि लंका तो पूरा राक्षसों की नगरी है, राक्षस किसे कहा जाता है? राक्षस माने आजकल लोग अर्थ लगाते हैं कि राक्षस का मतलब भूत प्रेत, ऐसा नहीं। जो प्रहरी हो, जो रक्षा करे, रक्षा राक्षस, समझ गए ना, उसको राक्षस शब्द बोलते हैं। शाब्दिक अर्थ में बड़ी गहराई छुपी है। तो वो राक्षस थे। हनुमान जी विभीषण से जाके मिले, पूर्व जन्म की और कथा है उसकी, वो आनंद महारामायण में आता है, रामायण सतकोट या पारा
बहुत सारे रामायण हैं, बहुत सारे उसके रामायण के जो लेखक हैं सबको भगवान की तरफ से कुछ ना कुछ संदेश हुआ, आप ये लिखिए आप वो लिखिए, तो सब लोगों ने कुछ ना कुछ टीकाएं लिखी हैं। रामचरितमानस का आजकल कहते हैं कि बहुत सारी टीकाएं हो गई हैं, जो कि अभी प्रचलित में सबसे ज्यादा रामचरितमानस है, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है। राधे श्याम रामायण भी है, ठीक है, राधे श्याम रामायण है जिसका प्रयोग आजकल नाच गाना होता है, नाटक होता है, नाट्य होते हैं बड़े बड़े, तो वहां पर लोग ज्यादा प्रस्तुत करते हैं। मैं रकुल कुल का बालक हूँ, बस एक ही नारी रखता हूँ, अपनी को छोड़ करके सबको माँ बहन समझता हूँ, ऐसा उसमें उसमें चौपाई दोहा नहीं है, उसमें इस तरह के भाव भरे हैं सब। अच्छा, तो और तमाम है, मद्रास में भी कोई एक है अन्ना मैया, क्या नाम है उनका, नाम नहीं जानता मैं, तो वो भी लिखे हैं। मधुसूदन जी महाराज रामचरितमानस लिखना चाहे, उनको कृष्ण भगवान का आदेश हो गया आप गीता लिखिए, तो मधुसूदन ने गीता लिख दी, ठीक ना। ऐसे ही भगवान के द्वारा जिसको जो प्रेरणा हुई उन्होंने वो लिखा। उसके बाद आता है आपका लंका कांड के बाद उत्तर कांड, तो छह कांड का उत्तर जिसमें है वो उत्तर कांड है। उत्तर कांड में आप जाएंगे तो उत्तर कांड में सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है, इसलिए आप सब कांड ना पढ़िए चलेगा, लेकिन उत्तर कांड पढ़ लीजिए। लेकिन उत्तर कांड पढ़ेंगे प्रश्न मालूम ही नहीं है, उत्तर पढ़ के क्या करेंगे आप, ठीक ना। होम चैप्टर अयोध्या कांड है आपका, बाल कांड आपका जो है बालपन का उनका है, हनुमान राम जी का, राम हनुमान, हनुमान जी का आपने सुना ही होगा कि रुद्रावतार है हनुमान जी शिव जी के, तो हनुमान जी राम जी विभीषण जो भी मुख्य मुख्य पात्र आपको दिखाया जाता है टीवी चैनलों पर या फिर आप रामचरितमानस में भी पढ़ेंगे, उसमें आपको जगह जगह मिलेगा कि भक्ति और साधना से पूरा ओतप्रोत है। विभीषण भी राम राम करता था, एक योगा के माध्यम से, मैं आपको कभी बताएंगे मौका मिला तो, एक विभीषण प्रणाम होता है, आप बता दीजिए जब अपने बात, तो विभीषण प्रणाम जैसे हम आप आगे हाथ जोड़े हैं, हाँ। तो ऐसे पीछे हाथ ऐसे करके जोड़ लेते, जोड़ते हैं। हमारे दशरथ जी महाराज थे, हमारे क्षेत्रीय योगी थे दशरथ जी महाराज, उनको लोग मैदानी बाबा बोलते थे, हम उनके शिष्य रह चुके हैं, बहुत उनकी सेवा किए हैं। तो जितनी दूर बैठते थे उतनी दूर पानी की वर्षा नहीं होती थी, बूंद नहीं गिरती थी, बाकी हर जगह गिरती थी। अच्छे योगी थे दशरथ महाराज, आज वो इस दुनिया में नहीं है, साल भर हुआ उनका इंतकाल हो गया। अभी क्या है, वो बताते थे कि रावण को बड़ा डरता था, तो आगे से राक्षस कभी ऐसे प्रणाम नहीं कर किया करते, ठीक है, तो अगर ऐसे प्रणाम करूंगा तो रावण कहेगा ऐसे किसकी वंदना कर रहा है, तो चुपके से पीछे से राम जी को ऐसे विभीषण प्रणाम करता था, ठीक ना। रावण को कहता था कि देखिए जो राम राम आप देख रहे हैं ना हमारे कुटिया में, रासे रावण मासे मंदोदरी में, तो आपका ही नाम ले रहा हूं। तो इस तरह से बाला फुसला करके रावण को रखता था, वो दांतों के बीच में जैसे जीभ रहती है, जिम दसनिन मोह जीभ विचारी, इस तरह से चौपाई में कहा गया है कि ऐसे ही मैं रहता हूँ हनुमान जी। तो ये है, और रामचरितमानस का एक एक चौपाई, एक एक दोहा, छंद, सोरठा, जिस तरह से पहले आप जान लीजिए कि अवधि सम्राट थे तुलसीदास जी, अवधि में सारी भाषा, अवधि से ही सारी चौपाई वो सब निकाले हैं, उसमें हिंदी नहीं है, उर्दू कहीं नहीं है। उस जमाने में अकबर कहा करता था कि ऐसा करिए कि आप थोड़ा सा कहीं मेरा नाम डाल दीजिए, ठीक ना, तो ये नहीं माने, इनको जेल में डाल भी दिया गया, कारागार में। हनुमान जी ने कितनी बार इनकी रक्षा भी की, स्वयं इनके साथ साथ चलते थे। मैंने कहा ना, जब भगवान चलाते हैं, उठाते हैं बिठाते हैं, भगवान जब चलाते हैं तब समझ लीजिए कि आप भक्ति कर रहे हैं, तब आपका भजन चल रहा है। अपने आप से जो व्यक्तिगत आदमी करता है, अपने ज्ञान से जो करता है, वो ज्ञान योग है। फिर अभी मैं गीता में चला जाऊंगा, उधर उधर छोड़ दीजिए। तो अपने आप में जो करता है, अपनी सामर्थ्य रख के जो करता है, वो ज्ञान योग है। लेकिन जो इष्ट के प्रति समर्पित तो होकर के जो आप करेंगे प्रभु, वही मंजूर है, वो फिर भक्ति है, वो सात्विक भक्ति है कि हम ईश्वर के प्रति समर्पण हो गए, मेरा मन प्रभु आपके हाथ में है,
लगाम मन की आप चाहे जहां हाकी चाहे जहां ले चलिए। तो अपने मन की लगाम जब आप भगवान को सौंप देते हैं तो आप निश्चिंत होकर सोइए। कबीर दास जी ने कहा है कि होए कबीर कबीर, अब हम आराम सोएंगे, भगवान कबीर कबीर रहते हैं, हम राम राम रहते हैं, एक ही बात है। तो ये चीज है, सात कांड साधना के, सात सोपान है भक्ति पथ के, और एक एक जहां पर पात्र हैं, चाहे वो अंगद हो, विभीषण हो, बालिका हो, चाहे जहां हो, आप देखेंगे तो साधना से भरे हैं। इसीलिए मैं अपने सारे दर्शकों से ये निवेदन करूंगा कि कहीं भी आगे बढ़ना है, किसी भी क्षेत्र में आगे जाना है, तो आप रामचरितमानस का निरंतर पाठ कीजिए। कुछ नहीं हो पाता है तो चार चौपाई, दो दोहा, एक दोहा पढ़िए। नहीं आती है चौपाई तो उसकी हिंदी पढ़िए, ऑडियो सुन लीजिए, वीडियो देख लीजिए, लेकिन रामचरितमानस को अपने जीवन में अपनाइए, मन में अपनाइए, अपने मानस पटल पर राम का चरित्र धारण कीजिए। और जीवन में भी अगर आप इसका उपयोग करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। जय श्री राम। हम आते हैं वर्ण पे, कितने चार वर्ण है, तो क्या आप उसको अच्छे से व्याख्यान कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल व्याख्यान कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, ऐसा प्रश्न करते रहना चाहिए। प्रश्नों में अटकलें बहुत होती हैं। लोग प्रश्न करते हैं ना कि चार वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चार वर्ण हैं। तो ये चार वर्ण के अलग अलग अर्थ रामचरितमानस में बताए गए, और जितने भी आप संत महंत देखेंगे, शंकराचार्य देखेंगे, सब लोगों ने इसका अर्थ बताया है कुछ ना कुछ। मेरे ख्याल से मेरा जो अनुभव है, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र जो हैं, ये एक ही भक्त के, जो भक्त भक्ति करता है उसकी ऊंची नीची अवस्था का नाम है। एक भक्त जो है, एक साधक जो होता है, उसकी ऊंची नीची जो भक्ति साधना होती है, साधना का जो पथ होता है, उसी की अवस्था का नाम है। जैसे कि हमें आपको कुछ नहीं मालूम है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मुझसे कोई पूछता है कि कौन से बिरादरी के हो, क्या जाति है आपकी, तो मैं कहता हूं अभी मैं शूद्र बनने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप समझ लीजिए शूद्र बनने की कोशिश करने का मतलब क्या हुआ, ठीक ना। मैं सत्संग सुन रहा था स्वामी अर्गलानंद जी महाराज का, तो कह रहे थे कि माई धोबिन बाप चमार, तिनकर उपजल हम बनवार। मन धोबी है, चित्त चमार है, मन और चित्त से जो पैदा हुआ वही हमारा हुलिया आपके सामने खड़ा है। समझ गए ना? बिल्कुल। शूद्र, शूद्र को लोग इतना क्यों तिरस्कार भावना से क्यों देखते हैं? जो सेवा करे, सेवा से ही मैंने कहा ना, आपकी नीची अवस्था है भक्ति पथ की, एक परमात्मा का ही भजन करना है। आप सेवा कर रहे हैं लेकिन आपका जो ध्यान है वो एक परमात्मा की तरफ ही रहना चाहिए, कि हम परमात्मा के हो करके परमात्मा के लिए कर रहे हैं। हमारे समक्ष जितने बैठे हैं, मैं जिसकी सेवा कर रहा हूँ, कहीं आश्रम में हूँ, कहीं घर में हूँ, कहीं समाज में हूँ, भूखे को भोजन करा रहा हूँ, अगर मैं सेवा कर रहा हूँ, इसका जो भी फल है वो सब भगवान के प्राप्ति में सफल हो। मतलब हमारा ध्यान केवल एक ही लक्ष्य, एक हो भगवान की प्राप्ति, वो शूद्र श्रेणी का साधक वो शूद्र है। हम बैठे अपना ध्यान लगा करके, बहुत लोग ध्यान लगाते हैं, मैंने चैनलों पर देखा लाइन लगी है करोड़ों लोग, लेकिन तुलसीदास जी ने कहा श्रोता वक्ता सकल बहुतेरे, लेकिन जे आचरहि ते नर न घनेरे। कि श्रोता वक्ता कलिकाल में बहुत होंगे, भीड़ लगेगी करोड़ों की। आप देखे हैं ना, भीड़ बहुत लगती थी, भीड़ लग भी रही है, तो श्रोताओं और वक्ताओं की बहुत लंबी लाइन है इस समय। लेकिन जे आचरहि, जो आचरण में लाएंगे, वो नर न घनेरे, अवधि भाषा है, नर माने आदमी, घनेरे मतलब नजदीक नजदीक, कहीं दिखाई नहीं देंगे, वो आपको बहुत कम दिखाई देंगे। जे आचरहि वो नर न घनेरे, वो घनेरे मतलब घना, घना मतलब एकदम नजदीक नजदीक, तो वो नहीं दिखाई देंगे जो आचरण में लाने वाले हैं। बाकी हमारे एक गुरु जी थे, पिछली बार मैंने बताया था आपको कि सत्संग और प्रवचन में प्रेम पूर्वक जाइए, नई नई चप्पलें छांट कर लाइए,
तो अब वो वाले श्रोता हैं सब, ठीक ना, और वक्ता भी ऐसे हो गए हैं कि जिसमें श्रोताओं को मजा आता है वही कहानी कहने लगते हैं। जैसे कि अभी लोटे में दूध रखिए आप गाय का, एक लोटे में भैंस का रखिए, तो ये नहीं उसका महत्व है कि लोटे में दूध है, महत्व होता है कि भैंस का दूध है गाय का दूध है, ठीक है। इसका कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि आप रामचरितमानस का पाठ कर रहे हो लेकिन उसकी धुन क्या छेड़ रहे हो। आजकल पाठ होता है बहुत गंदे अश्लील गानों पर उसका म्यूजिक बजती है और श्रोताओं को अच्छा लगता है कि हमने ये सुना है, जो आदत पड़ी है वो सुनते हैं तब कहते हैं बहुत अच्छा कह रहे हैं, ठीक ना। वही बड़े बड़े भागवत में देखता हूँ नागिन का धुन बजा देते हैं इतना उड़ते हैं सब नाचा करते हैं, ठीक ना, सबको अच्छा लगता है, ये नहीं होना चाहिए। और सही सही भागवत सुनाए तो एक घंटा में पब्लिक उठ उठ कहे चलो भाई नींद लग रही है अभी महाराज पता नहीं क्या सुना रहे हैं, तो महाराज भी कहते हैं अच्छा रुको अभी, तो एक आध उठी चुटकुल्ला सुनाते हैं तब हंसते हैं लोग, उसके बाद बीच बीच में कुछ और आनंद रामायण कह देते हैं तो लोगों को बड़ा मजा आ जाता है, ठीक ना, ये नहीं होना चाहिए। और जब हमारी आपकी इंद्रिय निग्रह होने लगे, आंख मूंद कर ध्यान में बैठिए आप एक घंटा, भगवान का ध्यान एक घंटा कीजिए, 10 मिनट भी आप अपने पक्ष में नहीं पाएंगे, पूरा आपका मन पूरा विराट चज गए, पूरा दुनिया में रिश्तेदारी नातेदारी शादी विवाह में पूरा घूमता रहेगा, ऐसे मन को वहां से हटा हटा करके अपने आप में बिठाना, इसका जो आदान प्रदान व्यापार है वो वैश्य श्रेणी के साधक का है, वो है वैश्य, ठीक ना। अब आता है क्षत्रिय, क्षत्रिय त्रायते सा क्षत्रिय, क्षत्रिय की तरह धूप और बरसात से जो रक्षा करे वो क्षत्रिय है, लेकिन साधना की श्रेणी में जो क्षत्रिय का क्रमबद्ध बताया गया वो ऐसे बताया गया कि क्षत्रिय कौन है, तो क्षत्रिय काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इससे अपने को, जैसे आप बैठेंगे ना भगवान का ध्यान करने ये सारी चीजें आपको परेशान करेंगी, उनसे जो युद्ध करे बार बार युद्ध करे अपने को हटाए बचाए वो क्षत्रिय श्रेणी का साधक है। और इन तीनों से पार हो करके जब भक्ति पथ के सोपान से ऊपर उठ जाए और एकदम ब्रह्म को पा के जो ब्राह्मण हो जाए वो ब्राह्मण है, ये जो मैं आपको बताया इससे झगड़ा खत्म हो जाता है, समझ गए ना। बिल्कुल, अभी झगड़ा इसलिए खत्म हो गया क्योंकि मैंने बताया ये भक्ति पथ के चार आदान प्रदान करने के चार नियम हैं, भक्ति पथ के और जो भक्त होता है उसके ऊपर नीचे की अवस्था है, ये ऐसा करने से नहीं होगा, नहीं तो फिर बाद में कहेंगे कि ढोलक गंवारे शूद्र पर सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, शूद्र को जितना पीटो उतने काम बढ़िया करेगा, नारी को जितना मारो उतने करेगी, मतलब अलग अलग अर्थ लोग निकालते हैं, इसका हम आगे देखेंगे, इसको बताएंगे आपको। लेकिन ये जो चार वर्ण आपने पूछा ये चार वर्ण यही हैं, तमाम संतों ने और भी व्याख्या की है, उनकी व्याख्यान को प्रणाम है साधुवाद है, लेकिन मेरे हिसाब से मेरा जो अनुभव है जो मेरे गुरु से मुझको मिला है वो मैं आपको ये बता रहा हूँ। जय श्री राम। जैसे रामायण में पूरा रामायण हमने भगवान राम लक्ष्मण हनुमान जी सबकी बात सुनी, पर मेरे को ऐसा लगता है कि भगवान राम के जो हृदय के सबसे करीब भाई थे वो भरत थे, तो भरत का व्याख्यान पूरे रामायण में बहुत कम सुनने मिलता है, बल्कि ना के बराबर ही सुनने मिलता है। तो मैं आपको आज भरत के बारे में जानना चाहता हूँ कि आखिर भरत कौन थे और उनका और राम के बीच में वो भाई का जो प्यार था उसको आप कुछ एक हमें उसका बहुत अच्छे इसमें एक वर्णन कर सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आपने पूछा मुझसे, भरत का नाम जो है रामचरितमानस में बहुत कम ही आया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिना भरत के रामचरितमानस अधूरी है, राम कथा अधूरी है। असल में ऐसा है कि भाव ही भरत है, जो हमारे आपके भीतर भाव उत्पन्न होता है वही भरत है। रामचरितमानस में लिखा गया है कि विश्व भरण पोषण कर जोई अताकर नाम भरत अस होई, विश्व का जो भरण पोषण करे उसका नाम भरत,
लेकिन भरत जी ने तो किसी का पालन पोषण नहीं किया, खड़ा उठाए नंदीग्राम गए, तपस्या की, यही सब आपको सुनने देखने में आया होगा। लेकिन इसका सही अर्थ है कि भाव ही भरत है, और भाव किसके भीतर नहीं है, पूरे जगत में भाव सबके प्रति है। चोर का चोरी के प्रति भाव है, और जो भी व्यापार करता है उसका व्यापार के प्रति, किसान का खेती के प्रति, इष्ट का इष्ट के प्रति, आपका अपने भक्त प्रभु के प्रति, सबका अलग अलग भाव है ना। बिल्कुल। तो भाव ही कारण इस है, ना स्वर्ण काठ पासान, और सत चित आनंद रूप है, व्यापक है भगवान। तो बिना भारत के, बिना भाव के रामचरित मानस क्या, सत्संग कोई कथा बोली नहीं जा सकती। इतिहास में अगर आप आते हैं कि रामचरित मानस में भरत का क्या क्या भूमिका थी, तो भरत का देख लीजिए कि भरत अपने राम जी के मतलब सौतेले जैसे बोलते हैं कि उनके माँ के लड़के, मतलब उनके कैकेयी के लड़के थे वो। अब देखिए भरत जी इतना होते हुए भी कि अगर मेरा भाई वन में है तो मैं राजगद्दी पर कैसे बैठ सकता हूँ। बहुत बहुत तपस्या करने के बाद में भी किसी को भाई मिलता है, समझ लीजिए। अगर किसी के पास बड़ा भाई है तो उसको ये समझ जाना चाहिए कि हमारी हजारों जन्मों की ये पूंजी है, ये बड़ा भाई मिला है। अरे भाई माई के बराबर माना जाता है, बाप के बराबर माना जाता है, इसीलिए कहा गया है। तो भाई है तो सब कुछ सुखदाई है, नहीं तो फिर कुछ नहीं है। भाई है तो उसका तिरस्कार मत करो, उसका आदर करो, उसका सम्मान करो, उसके मन की सारी बातें खुद जान लो कहने से पहले, ये भाई है। राम जी ने नहीं कहा भरत को कि तुम आना ऐसे करना, पीछे पर्दा के पीछे कोई ऐसा रोल, ऐसा कुछ नहीं था। वो प्रेम था, भाव था। भरत जी लेके गए कि मैं उनकी खड़ाऊं ला करके उसको गद्दी बिठाऊंगा, उनको पूजूंगा। आज मूर्ति पूजा का विरोध बहुत सारे संप्रदाय करते हैं, मैंने सुना है, लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि मूर्ति मतलब क्या, पत्थर ही मूर्ति थोड़ी है। किसी का फोटो लगाते हो भी मूर्ति पूजा है, स्थान का तुम पूजा करते हो। महापुरुष जब तक जिंदा रहता है लोग उसका विरोध खूब करते हैं, और जो हम महापुरुष जिस दिन मर गया तो वो जहां जहां गया है, जहां जहां पे उसकी यात्राएं हुई हैं, जहां जहां उसके चमत्कार हुए हैं, लोग उसका वो पूजने लगते हैं, वो पूरा लाभ उनको नहीं मिल पाता है। आस्था का लाभ तो मिलता है कि आस्था विश्वास आप जहां करेंगे वहीं आपको लाभ मिलेगा, लेकिन उसका पूरा पूरा लाभ जीवित रूप में ही मिलता है। राम थे उनका भी विरोध हुआ, कृष्ण थे उनका भी विरोध हुआ, कबीर थे उनका विरोध हुआ, तुलसीदास जी का तो बहुत विरोध हुआ। लेकिन एक ठेठ भाषा में कहा गया है कि जो नाम वाला है वही बदनाम है। तो नाम होता है तो बदनामी पीछे पीछे लगी रहती है, दिन है तो रात भी है, लेकिन रात से सटा दिन भी है, तो इसकी परवाह नहीं करना है। और जो आपने पूछा, भरत जी बड़े ही स्वाभाविक भाव के, बड़े ही सरल भाव के थे। राम से उनका चेहरा मिलता था, लक्ष्मण से नहीं मिलता था, जबकि राम के नाम के साथ क्या था, राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न, लेकिन राम और भरत दोनों एक ही चेहरे के थे, एक ही मुखावट के थे दोनों। क्योंकि जब भरत चले हैं तो राजा गुह था, वो देखा कहा अरे ये कौन आ रहा है, ये तो चढ़ाई करने के लिए तो नहीं आ रहा है। तो वो देखे कहे राम इधर भी बैठे हैं उधर भी आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है। तो सेनापति उसके आके बताए प्रभु राम ही तो हैं उधर। बोले नहीं 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 प्रभु राम तो इधर हैं। वो चकमका गए। तो गो गया कहा कि ये कैसे, तो देखा नंगे पैर एक राजकुमार, नंगे पैर साधु व्यवस्था बनाए हुए। मिला जाकर के कुशल क्षेम पूछा, प्रभु जी आप कैसे। बोले मैं प्रभु श्री राम का भक्त हूँ, उनका भाई तो हूँ लेकिन भक्त हूँ। देखिए भाई होना अलग बात है, भक्त होना अलग बात है, सेवक होना, दास होना सब अलग अलग है। तो वो कह रहे थे मैं उनका दास हूँ, उनका सेवक हूँ मैं। पूरी उनके साथ अयोध्या जो सेना थी वो चली आई थी, चल के मिलते हैं। ये प्रेम था, ये भाव था। तो भरत जी के बिना रामचरित मानस अधूरी है ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए,
कि रामचरितमानस में भरत, आप देखिए भाव ही कारण ईश है, ईश मतलब ईश्वर। अब इसका अर्थ अगर कोई लगा ले इससे ईशु का नाम है तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मुदित हे हरसी अली, सीता जी जब खुशी हो गई तो रामचंद्र जी को माला पहनाने के पहले जब माता जी की पूजा कर रही थी तो मूर्ति हंस दी, अली शब्द आया, तो उसमें मुसलमान भाई कुछ कहते हैं कि उस समय अकबर जबरदस्ती अली लिखवाया है, जबकि मैं बार बार कह रहा हूं कि रामचरितमानस अवधि में लिखी गई है। अली का मतलब सखी होता है, अली का मतलब सखी होता है, तो ये बिल्कुल ना समझा जाए। तो भाव ही कारण ईश है, ना स्वर्ण काठ पाषाण, भाव है तो स्वर्ण काठ पाषाण हर जगह राम है, नहीं है तो नहीं है। अब चाहे आप रावण का शिव के प्रति देख लीजिए भाव, वहां भी भरत जी बैठे हैं, तो पूरा रामचरितमानस में भरते जी हैं और कोई नहीं है। राम भी जहां नहीं है वहां पहले भरत आते हैं, तब राम आते हैं, तब भगवान आते हैं। हमारे आपके अंदर जो भाव का समावेश है वही है भरत।